जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश यादव और प्रेजेंटली मैं दिल्ली पुलिस में एज ए हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ 2016 से। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई कैसे मैंने सीजीएल मेंस के अंदर 170 स्कोर किया और प्री के अंदर 50 में से 45.50 मार्क्स अटेन किए। हालांकि ये टोटल आउट ऑफ टोटल तो नहीं है, जैसे आप कहें कि भाई बहुत ही ज़्यादा है, बट मैं आपको ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग में मेरी भी बिल्कुल नॉर्मल ही थी। जब मैं मॉक्स वगैरह देता था तो हालांकि मेरे मार्क्स भी 100-110 जब मैं मॉक्स देता था मेंस के तो मेरे भी मार्क्स इतने ही आते थे, बट उसके बाद क्या चीज़ मैंने फॉलो की और क्या फर्दर मैंने कैसे तैयारी करी, चाहे SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे CPO का एग्ज़ाम हो, चाहे LDC हो, चाहे MTS हो, चाहे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो। और जैसा कि आपको पता है अभी हाल फिलहाल में 17 मई से आपकी दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आने वाली है, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर SSC के सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी भी इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल है या बिलो एवरेज है तो आप कैसे किन स्टेप्स को उठाकर अपनी जो इंग्लिश है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं CGL 2018 के प्री के अंदर मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए थे 36 आउट ऑफ 50। इसके बाद ही मैंने इंग्लिश पे मेहनत स्टार्ट की थी। तो दोस्तों CGL के 2018 मेंस में इंग्लिश में मेरा रो स्कोर बना था 170 और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा डेढ़ नंबर बढ़ा था तो मेरे मार्क्स बने थे 171.55, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और CGL में मेंस के बाद जो टायर 3 का एग्ज़ाम होता है जिसमें SA लेटर लिखवा के देखते हैं, उसके अंदर टायर 3 में मेरे मार्क्स आए थे 100 में से 54। तो दोस्तों ये है मेरा रिजल्ट 2019 के CGL प्री का, जिसके अंदर इंग्लिश में देख सकते हैं आप 50 में से 45.50 नंबर आए थे, 25 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे और जिसमें एक क्वेश्चन गलत था जिसकी वजह से आधा नंबर घट गया था। तो मेरा फाइनल स्कोर बना था इसमें फिर से बना था 150.93। CGL 2019 के मेंस के अंदर मेरा इंग्लिश का रो स्कोर आया था 164.25 और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बन गया था मेरा 161.70, जिसमें मेरे 3 मार्क्स कट गए थे। और ये नंबर इसलिए कम आए थे क्योंकि इंग्लिश पे मैंने फोकस बहुत कम किया था, 15 से 20 दिन ही किया था मेंस के अंदर और ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये मार्क्स कम आए हैं। और वही 2019 के CGL के टायर 3 की बात करें तो उसमें 100 में से 55 मार्क्स आए थे, जिसके अंदर SA और लेटर लिखने का टेस्ट होता है जो। तो दोस्तों ये जो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है, कहाँ बिलो एवरेज से लेके इसे बढ़िया मार्क्स तक कह सकते हैं, मैं अपनी तरफ से तो कह ही सकता हूँ कि भाई जो बंदा मॉक्स के अंदर 100-110 लेके आ रहा था कंटिन्यूसली, वो एकदम से 160-170 अबाव चला जाए तो मेरे लिए तो वो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल है या बिलो एवरेज है तो आप कैसे अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे उसके लिए 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको, 4 चीज़ें करनी है बस। एक तो है नीतू सिंह मैडम की प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक आपको करनी है। इसके अंदर क्या है, हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मेंशन कर रखी है, जैसे मॉडल के बारे में बता रखा है, कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर उनका हिंदी बैकग्राउंड है और वो इंग्लिश कैसे कवर करेंगे। तो भाई ये बुक आपके लिए, अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड भी है तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है क्योंकि इसके अंदर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीज़ें दे रखी है, तो आप अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो भी आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस बुक को आपको कम से कम 2 या 3 बार करना है तब जाके आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी। इसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे आप इसका कंटेंट खोलेंगे, कंटेंट्स में आप देख सकते हैं वर्ब टेंस वगैरह, नरेशन दे रखी है, आपके क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस दे रखे हैं, प्रपोजिशन एडवर्ब सब चीज़ें दे रखी हैं, एंटोनिम सिनोनिम वोकैब भी आप इससे कर सकते हैं, इडियम फ्रेजेस भी कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी काफ़ी चीज़ें हैं, एडजेक्टिव कंजक्शन हो गया। आप इसे मान लीजिए 95% आप इसी बुक से कवर कर सकते हैं। दोस्तों पिछले 8 या 9 साल हो गए हैं, इस बुक को अभी तक क्रॉस करने वाले कोई बुक आई नहीं है क्योंकि ये बुक इसे कह सकते हैं आप गीता है एक तरह से। इस बुक के अंदर हर वो चीज़ है जो आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश की कहीं से कोई ना तो कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है, ना इसके अलावा कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत है। आप दूसरी बुक ले सकते हैं खाली प्रैक्टिस के लिए, हालांकि बताते हैं कि MBP एप्लीकेशन की बुक बढ़िया है, मैंने वो बाय की थी बट कभी पढ़ी नहीं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता था कभी। हालाँकि ये बुक थोड़ी इंटरेस्टिंग है,
आप एक चीज़ से बोर हो जाते हो आप दूसरा चैप्टर उठा सकते हैं। तो इस बुक को करना है कम से कम 2 से 3 बार। ये बुक करने के बाद इसमें चैप्टर के बाद इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप वो ट्राई कीजिए। और साथ में आप अच्छी प्रैक्टिस और चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं, डॉक्टर ए के सिंह की है, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये बुक लीजिए आप, इसमें बहुत अच्छे से हर चैप्टर के कम से कम 50 से 51 क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से तरीके से कर रखा है। और इसमें क्या है, कलरफुल है ये, थोड़ी ये नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है पढ़ने में और आपको प्रैक्टिस करने में मजे आएंगे जब आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आप उस बुक से पढ़ेंगे प्लिंथ टू पैरामाउंट से और फिर साथ में इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब मैं द हिंदू का, हालांकि न्यूज़पेपर थोड़ा महंगा तो आता है बट उसका एक फ़ायदा ये है, ना तो उसमें कोई फालतू चीज़ें आती है, ऐड वगैरह आती है कोई फालतू, और सबसे मेन पॉइंट उसके अंदर जो वोकैब यूज़ होती है ना, नए नए वर्ड्स, उनको आपको क्या करना है, जो भी आपको नए वर्ड्स दिखते हैं अपनी एक अलग से नोटबुक बनाए, उसके अंदर उस वर्ड को लिखें, उसके स्पेलिंग याद कीजिए और उसके मीनिंग को लिखिए और उनको रिकॉल करते रहें हर हफ्ते, उन नए नए वर्ड्स को याद करते रहें, जिससे आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वोकैब में क्या है ना कि मैंने जो इतना रियलाइज़ किया है, जो मैक्सिमम वोकैब होती है वो खाली द हिंदू के न्यूज़पेपर जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना तो उसी से आपको बेनिफिट हो जाएगा। द हिंदू में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग का फ़ायदा क्या होगा कि भाई एक तो आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी, और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। जो भी आपके पैसेज वगैरह, मान लो आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, फाइंडिंग एरर आएगा, idiom phrases आएंगे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल इसके अंदर द हिंदू के अंदर एज इट इज़ दी हुई होती है। आपको क्या करना है, सारे पैराग्राफ्स वगैरह पढ़ने की आदत डालिए, जिससे आपकी सारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपकी एज ए पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा आपका इसके अंदर। तो भाई और इसके अलावा जो आप चौथी चीज़ कर सकते हैं, करनी है जो आपको, वो तो मस्ट है बिल्कुल, जैसे आपने प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ ली, डॉक्टर ए के सिंह की ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पढ़ ली, उसके बाद आपको साथ में आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। ये प्रोसेस आप 1 महीना करके देखिए। आपको क्या करना है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें करनी है, एक तो प्लिंथ टू पैरामाउंट, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय डॉक्टर ए के सिंह, और तीसरा आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये कम से कम अगर आप रेगुलरली 3 से 4 महीने पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जैसे कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। और इसके साथ आपको क्या करना है, आपको साथ में देने हैं हर हफ्ते मॉक्स। दोस्तों मॉक्स देने का फ़ायदा ये है कि आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है जिस पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको मॉक्स, क्योंकि जब हम चीज़ पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई भी तो किस टाइम पे कैसे करना है ये चीज़ भी तो आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ा, एडवर्ब को पढ़ा, एडवर्ब के सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मान लो 500 क्वेश्चन दे दिए जाए एट ए टाइम, आप 500 के 500 कर दोगे, आपको 500 idiom phrases, आपने idiom phrases पढ़े, आपको 500 idiom phrases दे दी जाए, आप प्रॉपर आराम से कर लोगे। बट वहीं अगर आपको 5 क्वेश्चन idiom phrases के, 5 adverb के पार्ट, 5 दे दी जाए नरेशन के, 5 दे दी जाए आपको fill in the blanks, 5 दे दी जाए आपको एक्टिव पैसिव, तो उसमें आदमी पजल हो जाता है। तो इसी चीज़ के लिए मॉक्स दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपके साथ अपना स्कोर शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का बैकग्राउंड हिंदी का होता है या जिनकी इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल होती है, बिलो एवरेज होती है, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। तो भाई वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर आप मेरी बात माने तो 1 महीना ट्राई करके देखिए, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।